नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में रानू निगम जी के कार्य का कितना भी तारीफ कर लें कमी है, क्योंकि इन्होंने आज एक ऐसा काम किया है जिसके लिए हम और अमेजिंग एंटरटेनमेंट इनको कोटि कोटि प्रणाम करेगा। दोस्तों इन्होंने एक बच्ची को इस दुनिया के अत्याचार से बचाया है, भगवान ना करे कि किसी भी बच्ची के साथ ऐसा हो। और दोस्तों आगे का वीडियो आप खुद देख सकते हैं, दोनों ने खुद बताया है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो हम सभी लोगों में एक ऐसी ताकत और साहस भरे जिससे हम भी ऐसा काम कर पाए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं यह वीडियो। जय हिंद साथियों, मैं रानू निगम बाल एवं महिला विकास कल्याण समिति की सचिव हूँ। मेरे सामने एक पीड़ित बच्ची बैठी हुई है, जो आज एक ऑटो वाले भैया को स्टेशन पर मिली है। तो हम इससे इसकी खुद की आप बीती इसके मुंह से ही सुनना चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? आसाम से आई। आसाम से? अभी आसाम से आई हो? नहीं, जयपुर हाउस से आई। जयपुर हाउस से? जयपुर हाउस में किसके पास रहती हो? मौसी के पास। मौसी के पास? तो फिर कहाँ जा रही हो? तुम स्टेशन पे क्यों रो रही थी? मुझे अपने घर जाना। क्यों जाना है तुम्हें अपने घर? तुम तो बहुत छोटी सी हो, अपने घर आसाम कैसे जा पाओगी अकेले? कोई और भी था तुम्हारे साथ? ऑटो वाले भैया था। ऑटो वाले भैया तो तुमको मिले थे, तुम अकेले आसाम कैसे जाओगे बताओ? कुछ भी बोलो, सही बात बोलो। क्यों आई थी वहाँ से, जयपुर हाउस से निकल के? वहाँ पे मारती थी और सारे काम करवाती थी। क्या क्या काम करवाती थी? झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, पेंटिंग लगाती थी, बर्तन धुलवाती थी। अच्छा, तो आज क्यों निकली तुम घर से? मारे हैं। कितने टाइम से रह रही हो जयपुर हाउस में? छह महीने हो गए। 6 महीने मौसी के साथ आई हो? तो अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? आसाम जाना चाहती हूँ। आसाम जाना चाहती? जैसा कि इस बच्ची के मुंह से आपने स्वयं सुना कि ये बच्ची अपनी मौसी से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी और होने के बाद ये सीधे स्टेशन जाती है आसाम जाने के लिए। लेकिन जो ऑटो वाले भैया थे वो मेरी संस्था वाले को महिला विकास में इसको छोड़कर गए हैं। मैंने प्रशासन से संपर्क किया, उनको सूचना भेज दी। अभी कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर आएगी और मैं उनके सपोर्ट कर दूँगी बच्ची को, जिससे फिर जो आगे की कार्रवाई होगी उसकी जानकारी मैं जरूर दूंगी। और लेकिन एक एक नोटेड कराना चाहती हूँ जनता को, पब्लिक को, दे मतलब भारतवासी को, यहाँ तक कि इवन शासन प्रशासन को, टॉर्चर कभी कभी इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। इतना भी टॉर्चर किसी को ना किया जाए, जिससे कि आज ये बच्ची मौसी माँ समान होती है, लेकिन इसको पीटा गया, मारा गया, उसके बाद ये बच्ची अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो गई। सपोज करिए, ये बच्ची अगर उस अच्छे ऑटो वाले के हाथ न लपकर एक किसी मतलब ग्रुप, किसी भी गंदे ग्रुप, जिसको मैं मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है, लेकिन उसके हवाले कर दिया जाता, तो आज अगर उसके हवाले ये हो जाती बच्ची, तो इस बच्ची का क्या होता, इस बच्ची का कैसे भविष्य बनता? तो देख रहे हैं ये पुलिस वाले भाई साहब आ गए हैं, आइए, ये के बंद मत करिएगा, बंद मत करो, आ जाओ। हाँ जी, ये बच्ची क्लियर नहीं हुआ है अपने आप को, ये जयपुर हाउस की बता रही है और ऑटो वाले भैया हमारे यहाँ छोड़ कर रहे हैं इसको। हमने उनका पूरा बयान ले लिया, फोटो ले लिया है उनका, तो मैं इस बच्ची को आपको सपोर्ट भी कर रही हूँ। ये बच्ची जहाँ की है वहाँ पर पहुँचा के मुझे फुल इन्फॉर्मेशन। तो एक और हिंदू होगा।